हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनाज किचन। भावनाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम हमारा आज का वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ शुगर फ्री मोदक। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी और अच्छे हैं। देखते हैं हम इसे क्या क्या यूज़ में ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यूज़ में ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा कप पनीर का लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट है, ये भी मैंने आधा कप लिया है। ये है मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे है 1/4 कप मैंने लिया है शुगर फ्री पाउडर का, और ये आधा कप मैंने लिया है काजू और बादाम का पाउडर, इनको पीस करके मैंने बारीक कर लिया है। 1/4 स्पून मैंने यहाँ पर लिया है इलायची पाउडर और नगमेट पाउडर, दोनों 1/4 टीस्पून है। 1/4 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है बैटर डो बनाने के लिए। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पैन को गरम करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे हमारा नारियल का बुरादा और इसको हम रोस्ट करेंगे धीमी आंच के ऊपर। फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा कोकोनट जल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर को और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। याद रखिए, हमको गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट। अभी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे पनीर बारीक कद्दूकस किया हुआ और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स पाउडर के साथ में। तकरीबन इनको करने में हमको 5 से 6 मिनट लगेंगे। गैस फ्लेम हमने बिल्कुल धीमी ही रखनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। इसमें हमने फालतू का कुछ भी नहीं डाला है। अब आप देख सकते हैं पनीर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारा मिल्क पाउडर। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, डायबिटिक पेशेंट को ही हमने खिलाना है, आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हमारा हरी इलायची और जायफल को पाउडर को डालेंगे, इससे इसमें फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसको इस वक्त देख सकते हैं आप, अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब पानी डालेंगे इसका डो बनाने के लिए। इसको इसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी सी टाइट करेंगे पानी डाल करके। पानी अभी इसमें अच्छे से मिल गया। अभी हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच और पानी डालेंगे। एक साथ हमने सारा पानी नहीं डालना है, अपने अंदाजे से देख करके ये बाइंड होने लगे इतना ही हमने पानी डालना है। ये देखिए, अच्छे से ये हो गया है बाइंड। और इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस के डाले थे और कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट था, उसका तेल भी इसने थोड़ा छोड़ दिया है। अभी हम गैस फ्लेम कर देंगे बंद और इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और इसको ठंडा कर लिया। ये देखिए, उंगली लगा करके हम टेस्ट करेंगे। और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे शुगर फ्री पाउडर और इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं, इस तरीके से इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर शुगर फ्री पाउडर मिक्स हो जाए और अच्छा सा डो लगा करके तैयार कर लेना है।
अब हमारा डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके मोदक। ये देखिए कितना अच्छे से इसको किया है, इसका ऑयल भी जो है अपने हाथों में आ गया है। फ्रेंड्स ये मोदक का मोल्ड है, मार्केट में ये हर तरीके के मिलते हैं, बड़े छोटे। मैंने यहाँ मीडियम मोल्ड लिया है, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसमें मोल्ड में हम लगाएंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने ऊपर की साइड में ज़्यादा लगाया है, क्योंकि हमको इसके मोदक का ऊपर का जो डिज़ाइन है, नोक जो है, वो अच्छी सी निकली हुई चाहिए। तो हम पहले हम इस तरीके से डो को मोल्ड में लगाएंगे, उसके बाद में मोल्ड को बंद करके इसको लॉक कर देंगे और फिर इसके अंदर हम और लोई लेकर के थोड़ी सी अच्छे से दबा दबा करके इसको भरेंगे, ताकि इसमें बीच में जगह ना रहे, रह जाए अंदर और कोई क्रैक्स ना पड़े। अच्छे से दबा करके बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके हम रेडी करेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा जो भी है वो हटा देंगे। थोड़ा सा और डाल दूँगी मैं, बिल्कुल भी दोस्तों इनको इसको ना छोड़ना नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी खाली ना रहे, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम अच्छे से दबा करके और अच्छे से हमने भरा है तो कितने, ये देखिए आप कितने अच्छे से मोल्ड में से मोदक निकल करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं एक मोदक और इसी कलर का बनाऊंगी, फिर मैं आपको डबल कलर के अंदर मोदक बना करके दिखाऊंगी। एक मोदक और बना लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा मोदक बनके तैयार है। अब ये जो पार्ट है बचा है, इसके टू पार्ट्स कर लिए मैंने और एक पोर्शन के अंदर हम कलर डालेंगे और एक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं, और अगर सिंगल कलर का भी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं छूटे ना। कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा पार्ट लूँगी कलर वाले डो का, छोटी सी बॉल बना करके उसको ठीक उसी तरीके से वापस से मोदक मोल्ड के ऊपर टीप पे लगाऊंगी, ताकि इसका कोना अच्छे से निकल सके। अब इसको बंद कर देंगे, लॉक लगा देंगे और अच्छे से इसको अंदर दबा दबा करके, छोटी सी गोली डाल करके और अच्छे से दबा करके इसको भरेंगे, ताकि ये पूरा अच्छे से प्रॉपर शेप आ जाए। अच्छे से दबाना है। अब हम प्लेन लेंगे डो और उसकी भी बॉल बना के, देखिए अच्छे से भरना है, गैप नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छे से आप दबा दबा करके भरेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, तो उतना ही अच्छा मोदक का फिनिशिंग से बनेगा और शेप अच्छा आएगा। देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ डबल कलर के अंदर। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। अब मैं बाकी के मोदक भी इसी तरीके से अपने बना के तैयार कर लूँगी। देखिए इतने इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेरे 9 मोदक बन करके रेडी हुए हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से अलग अलग ये बीच में दे दिया, ऊपर नीचे ग्रीन, आप अपने पसंद से कैसे भी बना सकते हैं। रेडी है ये, अभी हम इसको प्लेट में लगा लेंगे। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए गणपति बप्पा मोरिया गणेश चतुर्थी के ऊपर, और आपको ये कैसे लगे अपना पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये मोदक कैसे लगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय।